विकास गुप्ता के खुलासे के बाद प्रियांक शर्मा पर टूट पड़े लोग। विकास और प्रियांक के रिलेशनशिप पर उठाए सवाल। आखिर क्या कहा लोगों ने, आइए जानते हैं। बिग बॉस 14 के हाल ही में एक प्रोमो में विकास गुप्ता ने शॉकिंग खुलासा किया कि वो एक शख्स के साथ 1.5 साल रिलेशनशिप में रहे थे और वो शख्स बिग बॉस का हिस्सा रहा है। विकास ने उस शख्स का नाम तो नहीं बताया, पर शायद दर्शकों ने अंदाजा लगा लिया कि वो कौन है। उनका मानना है कि वो प्रियांक है और इस पर लोगों ने कई सवाल उठाते हुए उनको काफी बुरा भला भी कहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या कहा यूजर्स ने। दरअसल जून 2020 में विकास गुप्ता ने अपनी पर्सनालिटी एक्जिस्टेंस को लेकर खुलासा किया था और बताया था कि वो बायसेक्सुअल हैं। उन्होंने उस वक्त ये भी बताया था कि पार संतान और प्रियांक शर्मा ने उनके बारे में गलत बातें कही और उन्हें ब्लैकमेल भी किया। उस वक्त इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में विकास गुप्ता ने कहा था, पार संतान और प्रियांक शर्मा ने मेरे साथ बहुत ही भयानक चीजें की हैं, लेकिन उनके किए के बारे में बताकर मैं उन्हें भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से एक है जिन्हें कीचड़ उछालना बहुत ही पसंद है। मैंने आज बोला, मुंह खोला, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया। जब वो दोनों बोलेंगे तो उसके बाद एक और पोस्ट में शेयर करूंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि सच जानने के लिए क्या चाहिए। इसके बाद वो जो चाहे कर सकते हैं और करते रहें। वहीं बिग बॉस 14 के प्रोमो में विकास रोते हुए रुबीना दिलैक और निक्की तंबोली से कह रहे थे, 4.5 साल से मैं उससे लड़ रहा हूं। अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, पर अब मैं ढंग से नाम लूंगा। वो और मैं इस शो में आने से पहले 1.5 साल तक रिलेशनशिप में थे। जो कोई भी इंसान मेरे लाइफ में आएगा, ये उसे साइकोलॉजिकली और इमोशनली ऐसे कर देंगे कि वो इंसान मुझसे नफरत करने लगे। अब जब मैं वापस बाहर आऊंगा तो आपको नहीं छोड़ूंगा। सो व्यूअर्स, क्या कहना है आपका इस खबर पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए टेली मसाला।